हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम परचेज इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है वो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का वीडियो नंबर 2 है। सो व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ परचेज। बेसिक पर्पस परचेज करने का क्या है। परचेज का मतलब होता है खरीदना। सो हम क्यों परचेजिंग करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर करवा सकें कि किसी भी रॉ मटेरियल का कंटिन्यूस फ्लो चल रहा है, और वो जो मटेरियल होना चाहिए वो राइट क्वालिटी का होना चाहिए, राइट क्वांटिटी का होना चाहिए, राइट प्राइस में होना चाहिए, एंड उसको हमने राइट सोर्सेस से ऑप्टेन किया है, कोई इलीगल सोर्सेस से ऑप्टेन नहीं किया है, एंड कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल नहीं होना चाहिए। लीगल सोर्सेस से लेना है हमको, जो लाइसेंस्ड डीलर्स है उनसे, एंड वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। उसके अलावा परचेजिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है, जो कि है अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज विद द रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम परचेज्ड। दैट मीन्स किसी भी प्रकार के सामान का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रलाइज्ड परचेज है वो मेडिकल स्टोर्स द्वारा की जाती है, एंड ड्रग को उन लोग ऑप्टेन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड हेल्प्स इन गेटिंग क्वालिटी ड्रग्स एट चीपर रेट्स। सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर एक्सप्लेन बिलो। सबसे पहला है इसमें राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी का मतलब क्या होता है। राइट क्वालिटी का मतलब होता है कि जो सोर्स जहाँ से हम ले रहे हैं वो अच्छे ग्रेड का होना चाहिए, अच्छे ब्रांड और ट्रेड नेम का होना चाहिए, एंड वो सारे फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पास करता हो, एंड जो क्वालिटी है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए एंड उस तक एक्सटेंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट क्वान्टिटी। राइट क्वान्टिटी का मतलब होता है कि जो अमाउंट में हमको क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए वो उतनी ही क्वांटिटी का हो, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, जिससे हमको किसी भी प्रकार का शॉर्टेज ना हो, जितने की ज़रूरत हो वही उतना हमको मिल जाए। नेक्स्ट इज राइट प्राइस। राइट प्राइस का मतलब होता है जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उनका जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली मैच करना चाहिए। हमको महंगे दवा की ज़रूरत नहीं है। जो दवा हम ले रहे हैं या रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एज वेल एज सेफ होना चाहिए। सो टेंडर सिस्टम चलता है हॉस्पिटल में, जो लोएस्ट बिडर होता है उसको चूज़ किया जाता है फॉर सप्लाइंग द ऑर्डर। नेक्स्ट इज राइट सोर्स। राइट सोर्स मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स सही होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स सप्लाई कर रहे हैं उनका सोर्स सही होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज राइट टाइम। राइट टाइम पे हमको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। जो लीड टाइम है वो टोटल टाइम पीरियड होता है प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीव ऑफ द मटेरियल। सो लीड टाइम कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीड टाइम। और जो परचेज कमिटी है उसको एमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि फ्लड, स्ट्राइक, एक्सीडेंट है, उसके लिए पहले से हमको सब चीज़ इंतज़ाम करके रखना है। नेक्स्ट इज परचेज प्रोसीजर। कैसे हम किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसमें हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करना ज़रूरी है। तो परचेज रिक्वायरमेंट कौन देता है, इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंटल हेड, एंड उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइप ऑफ मटेरियल टू बी परचेज, टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कितनी क्वान्टिटी में हमको चाहिए, वो तीनों चीज़ इसमें दी होती हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ सप्लाई। कहाँ से हमको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, विच इज़ द सोर्स। सो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी होती है हर हॉस्पिटल की, जो स्टैंडर्ड सेट करती है कि कैसा क्वालिटी मटेरियल हमको चाहिए। सो प्रोक्योरमेंट कहाँ से किया जाता है, सबसे पहला है मेडिकल स्टोर डिपो से किया जाता है। देन डायरेक्टरेट जनरल मेडिकल सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, मीन्स डायरेक्टरेट होता है जहाँ पे जनरल सप्लाई और डिस्पोजल्स मिलते हैं, वहाँ से हम वो सप्लाई ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टरी फ्रॉम द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट बाय इनवाइटिंग टेंडर्स, टेंडर्स के थ्रू ले सकते हैं, जो लोएस्ट बिड करेगा उनके साथ। एंड एमरजेंसी परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट। कई बार एमरजेंसी आ जाती है तो हम उसको डायरेक्टली लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। फर्स्ट है इसमें मेडिकल स्टोर डिपो, जिसको MSDB कहते हैं। सो 6 मेडिकल स्टोर डिपो है यहाँ पे मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, करनाल में, हैदराबाद में और गुवाहाटी में। सो आइटम्स यहाँ से परचेज किए जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, फिर इसको टेस्टिंग यूनिट को भेजा जाता है जो कि चेन्नई और मुंबई में है। इट रन्स नो प्रॉफिट एंड लो लॉस बेसिस। सेकेंड है इसमें डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, जिसको DGS&D कहा जाता है। इसमें टेंडर के थ्रू होता है एंड फिर ऑर्डर प्लेस किया जाता है।
पेमेंट तभी होती है जब वेरिफिकेशन हो जाता है और इंस्पेक्शन हो जाता है उन सारी चीज़ों का, और उसके बाद ही पेमेंट की जाती है। थर्ड है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या करते हैं, किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से डायरेक्ट हम खरीद लेते हैं, एंड मटेरियल जो रिसीव होता है उसको स्टॉक किया जाता है अलग अलग प्लेसेस में अंडर द प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। नेक्स्ट इज बाय इनवाइटिंग टेंडर्स। टेंडर्स भी बुला सकते हैं, हम लोग इन्वाइट किए जाते हैं टेंडर्स फ्रॉम द वेरियस सप्लायर्स, एंड जो लोएस्ट बिडर होता है उसको ही चूज किया जाता है टू सप्लाई द ऑर्डर। हाउएवर प्राइस और क्वालिटी दोनों को कंसिडर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सस्ता बेच रहा है तो उसकी क्वालिटी चीप होगी, क्वालिटी और प्राइस को देखा जाता है कि सब सही है या नहीं है, उसके हिसाब से फिर लोएस्ट बिडर को चूज किया जाता है टेंडर के लिए। नेक्स्ट इज एमरजेंसी ड्रग लिस्ट फ्रॉम द लोकल मार्केट। अगर कोई आइटम MSD में, DGS&D में या किसी एमरजेंसी के टाइम में अवेलेबल नहीं है तो उसको इमिडिएटली हम लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। एक फॉर्म बनाया जाता है जिसको एक कॉपी को डिपार्टमेंट को सेंड किया जाता है, एक कॉपी फार्मेसी में रहती है। इस कॉपी से क्या होता है, जो डिपार्टमेंट रहता है वो वापस से सेम आइटम रीऑर्डर नहीं करता है, तो ये इजी हो जाता है। दोनों को एक एक कॉपी भेज देते हैं, एक डिपार्टमेंट को और एक फार्मेसी को, तो फार्मेसी वापस से अवॉइड करता है उस चीज़ को रीऑर्डर करने से। नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है जब हम सप्लायर को सेलेक्ट कर लिए कि इससे हमको परचेज करना है, सो चीफ फार्मासिस्ट और कोई सूटेबल अथॉरिटी होती है वो परचेज ऑर्डर बनाती है, जिसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं, पैकेजिंग, प्राइस, क्वांटिटी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो भी आइटम हमको परचेज करना है। रिटर्न फॉर्म में होता है एंड एविडेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। इसमें कौन कौन सी कॉपीज होती हैं, एक ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को भेजी जाती है, एक कॉपी अकाउंट सेक्शन में दी जाती है, एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहती है, एक कॉपी मेन डिपार्टमेंट के पास रहती है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉपी उनको दी जाती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस मेडिसिन को रिसीव कर रहे हैं, एंड सेवन्थ कॉपी जो होती है वो हिस्ट्री कॉपी होती है जिसको बाद में मेंटेन करके रखा जाता है, बाद में इंस्पेक्शन के लिए कुछ चीज़ चेक करना है तो उसके लिए वो काम आ जाता है। जो परचेज ऑर्डर है उसमें क्लियरली ये सारी चीज़ें इंडिकेट होनी चाहिए, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए परचेज ऑर्डर का, ताकि जो ड्रग और सप्लाई है वो टाइम से हमको मिल जाए। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। जब हम ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो एक कॉपी परचेज ऑर्डर की हमको मिल जाती है परचेज से, एंड सप्लायर उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है दैट ही विल बी एबल टू सप्लाई द गुड्स विद द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर मैंशनड इन द परचेज ऑर्डर। मतलब उसको हम बोलते हैं हमको प्राप्ति मिल जाती है या रिसीविंग मिल जाती है हमको, कि जो आदमी है या सप्लायर है वो हमको वो सारी चीज़ें सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ द ड्रग। रिसिप्ट ऑफ द ड्रग में क्या होता है, जो ड्रग हमको मिल जाती है लास्ट में उसकी रिसिप्ट भी मिलती है हमको। उस रिसिप्ट में स्टॉक, डेट ऑफ एक्सपायरी, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, बैच नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई रहती है। फिर रैंडम सैम्पलिंग की जाती है कि जो प्रॉपर आया है सामान वो सही है नहीं सही है, जैसे कि डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करते हैं, कोई डिटोरिएशन तो नहीं है, चेंज ऑफ कलर, केकिंग एटसेट्रा। अगर ऐसा कोई मैटर आता है कि इसमें कुछ ख़राब है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और लोकल ड्रग इंस्पेक्टर को बताना पड़ता है, रिपोर्ट किया जाता है, एंड उसको फिर यूज़ नहीं करना है जब तक ड्रग इंस्पेक्टर की परमिशन ना हो, तो वो पहले आके चेक करते हैं उसके बाद ही परमिशन ग्रांट करते हैं, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को भी सेंड की जाती है। देन एग्जामिनेशन के बाद नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्ट द सप्लाई ये वाला देते हैं, राइटिंग में मिलता है ये हॉस्पिटल वालों को इन द डिलीवरी चलान। उसके बाद इनवॉइस को सप्लायर रिसीव कर लेता है, मतलब सप्लायर से रिसीव होता है, एंड अकाउंट सेक्शन में भेजते हैं प्राइस और क्वांटिटी चेक करने के लिए। वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफाई करता है एंड पास करता है, देन पेमेंट होता है। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू वार्ड्स। दैट मीन्स जब ड्रग आ जाती है उसके बाद उन ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग वार्ड्स में जहाँ पे उनकी नीड है, एंड क्लीन कंटेनर्स में सप्लाई किया जाता है ताकि उनकी इंटीग्रिटी और ओरिजिनलिटी मेंटेन हो, नेम और क्वांटिटी प्रॉपर मेंशनड और लेबल्ड होनी चाहिए, देन कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय कर देना है अगर खाली हो गया है तो, चीफ फार्मासिस्ट को वार्ड राउंड करना चाहिए प्रॉपरली ये देखने के लिए कि ड्रग प्रॉपरली स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए हैं अंडर द स्पेशल कंडीशन लाइक कोल्ड स्टोरेज, कूल टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। So friends, this is all for today's video. Thank you.